स्वागत है आपका हमारे शेल बाप के फेवरेट सीरियल बनी चाओ में। आने वाला है वो मोड जहां पर बनी को होगा अपनी गलती का एहसास। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि युवान अब यहां पर उसके काम में हाथ बटाने की कोशिश करेगा, साथ में ही बनी उससे वादा मांगे कि जो कि उसके होश उड़ा देगा। अब बनी इधर एक तरफ जहां पर वादा कर रही होती है भगवान के मंदिर में मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने युवान से वादा मांगती है कि वो अब शादी की कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि वो उससे मांग में सिंदूर भरने के लिए कहता नजर आता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर देखने को मिलेगा कि दादू साहब उसके मामा मामी को मनाने की कोशिश करते हैं कि अगर वो अब बनी को मना ले शादी के लिए तो वो उसके बिजनेस को भी आगे बढ़ा देंगे और उसको इतना पैसा देंगे, और दूसरी तरफ इस परिवार घर की भी पूरी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ उसकी किस्मत बदल देंगे। इसके बाद मामा मामी इस लालच में आ जाते हैं और उनसे वादा करते पैसे ले लेते हैं और बनी को मनाने का वादा करते हैं। तो दूसरी तरफ बनी तो नहीं शादी करने का वादा मांगती है युवान से। देखने को मिलता है कि यहाँ पर अब युवान को जैसे टच करती है उसको बहुत बुरी तरह से चोट लगी होती है और वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी चोट पर मरहम लगाते नजर आएगी और युवान अपने दर्द बयां करते नजर आएगा कि उसका भाई उसे कितनी बुरी तरह से बेल्ट से पीटता है और इसे बनी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और अब अपना फैसला सुनाकर बहुत बड़ा झटका पूरे फैमिली राठौड़ परिवार को देने वाली है। बनी युवान को लेकर भागने की जगह अब यहाँ पर देखने को मिलेगा किस तरह से अब वापस लौटेगी, क्योंकि युवान जल्दी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा क्योंकि उसने मालिनी की दवाइयाँ 2-3 दिन से नहीं खाई होती हैं और इसीलिए अब उसकी धीरे धीरे अब की हालत कंडीशन ठीक होती नजर आएगी। देखने को मिलने वाला है कि बनी यहाँ पर उसमें एक मेच्योर पर्सन देखने वाली है, तो दूसरी तरफ वो फैसला भी कर लेती है कि वो युवान की जिम्मेदारी जरूर उठाएगी चाहे कुछ हो जाए और वो इस वादे को ज़रूर निभाएगी। देखने को मिलने वाला है इसीलिए बनी इसको निभाने के लिए वापस घर लौट कर आएगी और इस शादी को निभाएगी, और दूसरी तरफ यहाँ पर वो शादी के लिए खुद ही यहाँ कर देगी जिससे कि मामा मामी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाने वाले हैं और धूमधाम से इन दोनों की शादी करवाने वाले हैं।